वेलकम टू नेक्स्ट वी टीवी। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही हेल्दी जूस के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी रेसिपी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे बनाना है, और वो है लौकी यानी कि बॉटल गॉर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसको हम किस तरीके से बनाते हैं जूस के लिए वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, टेस्टी भी है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। लौकी के जूस के फ़ायदे किसे नहीं पता, बट स्टिल मैंने ये वीडियो बनाई है, आगे मैं बनाऊंगी भी, जिसमें मैं लौकी के जितने भी फ़ायदे होते हैं वो आप सबको बताऊंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं लौकी का जूस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि पहले हमें सबसे पहले जो करना है वो आपको लौकी को लेना है, साफ़ करना है, धुलना है, और उसके बाद आपको टेस्ट करना है कि कहीं वो लौकी कड़वी तो नहीं। अगर वो कड़वी है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कड़वी लौकी का कोई जूस नहीं बनता है, लौकी को आप नहीं यूज़ करेंगे अगर वो कड़वी है। लौकी कड़वी है या नहीं उसके लिए आपको उसका थोड़ा सा स्मॉल पीस लेके बस आपको अपनी टंग पे टच कराना होगा और उससे आपको पता लग जाएगा कि वो कड़वी है या नहीं है। और अगर वो कड़वी है तो मैं अगेन बोल रही हूँ कि आपको वो नहीं यूज़ करना है। आपको फ्रेश ताज़ी लौकी लेनी है जो कि मीठी हो, मतलब कड़वी ना हो, उसको आपको ले करके धो करके और देन उसके स्मॉल पीसेस छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो ये होगा हमारा दूसरा स्टेप। अब हमारा तीसरा स्टेप जो होगा वो ये कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को जो आपने काटे हैं इनको आपको ले करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। जी हाँ, आपको अपनी मिक्सी में डाल देना है ताकि हम इसे पीस सकें। तो मिक्सर में जब ये जाएगी तो सिर्फ आप डिपेंड करता है आप किस हिसाब से बनाना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ लौकी का जूस चाहिए एज अ प्योर लौकी का जूस चाहिए तो आप सिर्फ लौकी को मिक्सर में डालने के बाद ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद आपका जूस ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। बट अगर आपको टेस्ट वाइज भी चाहिए कि कुछ अच्छा टेस्ट हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में सिर्फ लौकी ही नहीं कुछ और भी चीज़ें डालेंगे जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ। और वो होगा सबसे पहले मिंट यानी कि पुदीना। आप पुदीना की पत्तियों को लीजिए, अमाउंट आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आप कितना मिंट, कितनी खुशबू, कितना उसका टेस्ट आपको पसंद है, उस अकॉर्डिंग आप उसमें डाल दीजिए जार में यानी कि लौकी के साथ। फिर उसके बाद आप उसमें नमक डालेंगे, और प्लीज़ रिफाइंड नमक मत डालिएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही अलाउड है, क्योंकि सेंधा नमक उस जूस के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बढ़ाता ही है, लेकिन रिफाइंड नमक सब ख़त्म कर देता है। तो आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना है, और उसके बाद थोड़ा सा खट्टा अगर आपको पसंद है तो आप उसमें नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस जूस में 2 से 3 बूंद आपके अकॉर्डिंग, स्वाद के अनुसार, आप जैसे स्वाद अनुसार नमक डालते हैं वैसे ही स्वाद अनुसार आपको जितना खट्टा पसंद है उस अकॉर्डिंग आप इसमें नींबू का रस डालेंगे। और जब आप नींबू का रस डाल देंगे तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, लौकी के जूस के साथ किसी और का जूस मत मिक्स करिएगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं सोचे चलिए एलोवेरा डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो नो, ये सब मत करिएगा। एक्सपेरिमेंट इतना भी मत करिए कि आपको पता ही ना चले कि लौकी का टेस्ट क्या है, क्योंकि बहुत मायने रखता है। अगर गलती से भी कड़वी हुई तो इट्स अ इंजरियस टू हेल्थ। आपको कड़वी लौकी नहीं लेनी है, मैं अगेन बोल रही हूँ। फिर आपको उसको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद आप उसे जिस भी बर्तन में निकालें उसमें निकालने के बाद पहले उसको सॉफ्ट कॉटन के कपड़े में फिल्टर कर लीजिए, छान लीजिए, और उसके बाद जो भी आपको निकल के आएगा वो आपका प्योर लौकी का जूस होगा। अब उस लौकी के जूस में जितना वो जूस है उसमें अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रख करके पानी मिला दीजिए, क्योंकि इतना हाईली कंसनट्रेटेड नहीं पीना है, थोड़ा पानी मिला करके आप उसको पीजिए। और आप एक ग्लास दिन भर में एक से दो ग्लास आराम से ले सकते हैं, और ये बिलीव मी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ये वेट लॉस अच्छा करती है, ये आपका बीपी कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ के लिए अच्छी होती है। तो बिना किसी डर के आप इसे ले सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको लौकी से कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें और उसके बाद ही इसको लें, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के मत लीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत हेल्दी होती है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बार और याद दिला देना चाहती हूँ कि लौकी अगर कड़वी है, आपको पता चल गया है कि वो कड़वी है, उसका टेस्ट कड़वा है, डोंट ड्रिंक इट,
उसको आप बिल्कुल भी मत पीजिएगा, क्योंकि कड़वी लौकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है हेल्थ के लिए। कड़वी लौकी को नहीं लिया जाता, नॉट इवन ए जूस, और ना ही खाने के लिए, आप खाने में भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कड़वी लौकी को बिल्कुल भी नहीं लेना है, लौकी का टेस्ट मीठा ही होता है। और उसके बाद मैं आपसे कहूँगी, ये वीडियो आप जितना हो सके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नेक्स्ट वी टीवी, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वी टीवी।